ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए और उसके बाद शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिटीशन का लिंक है, उसको प्लीज भरिए ताकि आप क्रिप्टो का साथ दे सकें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित कपूर और मैं रन करता हूँ यूट्यूब पे एक बहुत छोटा सा चैनल जिसका नाम है मनी गुरु, जहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ लोगों को सिखाने का ऑनलाइन के कुछ तरीकों से पैसा कमाने का जरिया। उनमें से एक मेथड है क्रिप्टो करेंसी, जो कि मेरा एंड मेरी ऑडियंस का ऑल टाइम फेवरेट है। बट ऑन 5th of April 2018 RBI ने लिया एक ऐसा डिसीजन अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी कि उन्होंने बैन कर दिया सभी बैंक्स को डील करना क्रिप्टो करेंसी के अंदर और उनको दिया 3 months का अल्टीमेटम टाइम, बिकॉज उन्होंने रीजन दिया कि क्रिप्टो करेंसी पोजेसेस रिस्क फॉर इंडियन इकॉनमी, क्रिप्टो करेंसी यूज हो सकती है इल्लीगल एक्टिविटी में एंड एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ अगर मैं इल्लीगल एक्टिविटी में क्रिप्टो करेंसी के यूज की बात करूं, तो क्या अगर इंडिया बैंकिंग सेक्टर बैन कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी का यूज करना, तो क्या इल्लीगल एक्टिविटी वाले लोग यानी कि एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी से फोन करके ये पूछेगा कि अब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो गई है तो अब तो मैं तेरे को क्रिप्टो करेंसी भेज ही नहीं पाऊंगा? विल दैट हैपन? इट विल नेवर हैपन, बिकॉज उन लोगों को हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हर चीज की कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर उसके कुछ नेगेटिव्स है तो उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिगरेट्स एंड तंबाकू की, हमें पता है कि सिगरेट्स एंड तंबाकू हर साल हजारों लाखों लोगों की जान लेते हैं, बट स्टिल वो हमारे को मिलते हैं एंड उसका यूज हर व्यक्ति कर रहा है एंड हजारों लोगों की वो जान ले रहा है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज गवर्नमेंट को उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। देन व्हाई टू थिंक कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दें इंडिया के अंदर, जबकि इन रियल फैक्ट्स वी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स अगर हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन रेगुलेशन लेके आए जिसके थ्रू हम टैक्स कलेक्ट करें, इंडिया बहुत ज्यादा एक टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा एंड दिस इज व्हेन यू कैन कॉल इंडिया एज डिजिटल इंडिया। एज नरेंद्र मोदी जी का तो यही सपना है ना, इंडिया को डिजिटल बनाना है, तो क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा डिजिटल क्या होगा? शेयर मार्केट में लोग जो पैसे जमा करते हैं उनका क्या गारंटी होती है कि अगर वो 100 रुपए का शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहा है उसका 100 रुपए ही रहेगा या 1000 रुपए का हो जाएगा? 10 रुपए का शेयर मार्केट में नहीं होता है, होता है कम से कम 60-70% बल्कि 80% लोग नुकसान उठाते हैं शेयर मार्केट में। उसमें आपकी रूल्स रेगुलेशन क्या है? आप टैक्स ले लेते हैं उनसे, लेकिन कोई भी उसमें उनकी कोई हेल्प नहीं है। आप कर रहे हो करो। हम अगर शेयर मार्केट में लगाते हैं, या सपोज कीजिए मैं सोना खरीदता हूं, गोल्ड खरीदता हूं, आज गोल्ड 30,000 रुपए का 10 ग्राम है, आप गारंटी लेते हैं कि ये कल जो है गोल्ड 10,000 रुपए का नहीं रहेगा, या ये गोल्ड जो है वो 1,00,000 रुपए पर 10 ग्राम नहीं रहेगा? किसी की कोई गारंटी नहीं है। चलो छोड़ो, इन चीजों की भी बात नहीं करता मैं, आपसे बात करता हूं नाज की, गेहूं की, बाजरे की, जो फसल होती है क्या उसके रेट ऊपर नीचे नहीं होते? उसके भी ऊपर नीचे होते हैं। बहुत से व्यापारी देखे हैं जो महंगा कीमत में खरीद लेते हैं कम्युनिटी मार्केट में और उनको पैसे आधे भी नहीं मिलते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों के पैसे डूबते भी हैं और कमाते भी हैं। तो बिटकॉइन भी एसेट है, आप कैसे इस चीज को रोक सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम पंकज तवर, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया से। दोस्तों, बहुत ही आसान है लोगों का रोजगार छीनना, लेकिन उतना ही मुश्किल है हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देना। जो आरबीआई की रेगुलेशंस आई हैं रिसेंटली, उससे कहीं ना कहीं अगले 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन सकता है और आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो आप सबको हमारे साथ में इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। आई सपोर्ट क्रिप्टो, वी सपोर्ट क्रिप्टो, और आपको और हमको मिलकर सबको इकट्ठे बताना पड़ेगा और बताना चाहिए सरकार को कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी से नुकसान नहीं हजारों फायदे भी हैं। तो दोस्तों, सरकार को ये एहसास नहीं है कि कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का इससे घर का चूल्हा चलता है। तो आप भी जुड़िए इस मुहिम में हमारे साथ में और इकट्ठे हम सब मिलके एक आवाज़ उठाएंगे। आई सपोर्ट क्रिप्टो, वी सपोर्ट क्रिप्टो। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर। भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। हो सकता है कि आप मुझको टेक्निकल गपशप सिंपली संदीप या फिर क्रिप्टो पॉइंट हिंदी से जानते हो, क्योंकि इन चैनल्स पे मैंने क्रिप्टो और क्रिप्टो माइनिंग को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पर आज हम बात करेंगे RBI की एक ऐसे नोटिस की जिसने इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, बजाय क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडिंग और ट्रेडिंग प्रॉफिट को रेगुलेट करने के, बजाय वहाँ से टैक्स लेके इंडिया की प्रगति में यूज करने के, RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इंडिविजुअल या बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं वो उनके संग डील ना करें। ये कुछ और करे ना करे, पर मेरे हिसाब से ये ब्लैक मार्केटिंग को ज़रूर बढ़ावा देगा, क्योंकि जिनको क्रिप्टो करेंसी चाहिए उनको चाहिए, वो कैश में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा RBI से ये अनुरोध है कि आप अपने डिसीजन को दोबारा से कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी समस्या नहीं है, क्रिप्टो करेंसी समाधान है। क्रिप्टो करेंसी समाधान है बड़ी बड़ी समस्याओं जैसे कि काउंटरफेट या नकली नोट, जिससे इंडिया आज तक जूझ रहा है, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी को डुप्लीकेट या फिर फेक नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी इको फ्रेंडली है, इसको बनाने के लिए कोड की जरूरत पड़ती है ना कि पेपर की। क्रिप्टो करेंसी हमारा आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश इसकी तरफ जा रहे हैं, और अगर इंडिया ने अभी इस वैगन में जंप नहीं किया तो आने वाले टाइम पे हम सिर्फ बाकी देशों को फॉलो करते हुए जाएंगे, और अगेन होगा वही $1 में 65 रुपये। हमारे पास अभी मौका है कि हम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पायनियर बन सकें, इसमें आगे बढ़ सकें। और हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा नहीं देती। ये सारी की सारी चीज़ होती थी क्रिप्टो करेंसी के एग्जिस्टेंस में होने से पहले भी। तो मेरी अपील है आपसे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिटिशन का लिंक है, आप प्लीज़ जाके उस पिटिशन को भरिए और क्रिप्टो करेंसी का साथ दीजिए। यकीन मानिए, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, हमारे नहीं पूरी दुनिया का। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल इंडिया मार्केटिंग चैनल से। दोस्तों, आज पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे जाता जा रहा है। आप देखें, अदर कंट्रीज़ में 4G 5G 6G की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज हमारे इंडिया में 3G भी अच्छी तरह से नहीं चल पाता। इसका सबसे बड़ा मैटर है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता। आज पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, और हमारे देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात रही, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ को जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो कि काफ़ी सिक्योर ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें, और डिसेंट्रलाइज है जो कि पूरी तरह से, उसको लीगलाइज नहीं किया जा रहा। तो मेरा मानना है इसको लीगलाइज किया जाए जल्दी से जल्दी, और इस मुहिम में आप सभी जुड़ें, आप सभी सरकार तक ये सुझाव पहुंचाएं, आई सपोर्ट क्रिप्टो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में पटेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपना साइनअप करें, अपना सपोर्ट दें। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल राशिद हियर। दोस्तों, बिटकॉइन की क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन स्पीड की, तो बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, काफ़ी ऐसे पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया में पेमेंट भेजते हैं, या जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, वो वहाँ से कुछ भी सामान परचेस करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, उसकी जो ट्रांजेक्शन चार्जेस कटते हैं वो बिटकॉइन में बहुत ही ज़्यादा कम है, ईजी है। अगर हम यूज़ करने की बात करें बिटकॉइन को, तो जो बहुत ज़्यादा आसान है, आप मोबाइल से कहीं पर भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिटकॉइन की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सपोज कीजिए आप बैंक के द्वारा कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट होती है कि इतने रुपए से ऊपर का आप चेक फिल नहीं कर सकते, इतने रुपए से ऊपर आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन बिटकॉइन में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहें, जिस तरीके से चाहें, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी थर्ड पार्टी या कोई भी इंटरप्शन बीच में नहीं है। चौथा, अगर हम देखें बिटकॉइन की जो है दिन प्रतिदिन जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, और तब जो बिटकॉइन का प्राइस था वो था लगभग 4-5 रुपये, और आज अगर हम 9 साल की बात करें, 9 साल में जो बिटकॉइन ने जो है 15 लाख इंडियन रुपीस, लगभग $20,000 तक का जो प्राइस है वो हिट किया है। और इन्हीं चीज़ों के चलते, इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए, जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल भी किया है, और काफ़ी ऐसे देश हैं जहां पर बिटकॉइन के जो है ATM भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था डिजिटल इंडिया, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल इंडिया का जो नारा है उसमें बिटकॉइन जो है काफ़ी बड़ा योगदान दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
Hey everyone, I'm Purkha from Crypto India Channel. मैं अथॉरिटीज़ से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन नहीं करें और एक एफर्ट डालें इस पूरे मैटर को लीगली रेगुलेट करने का. आई सपोर्ट क्रिप्टो, डू यू? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडी क्रिप्टो इंडिया चैनल से, और मैं ये बात नहीं करूंगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज़ के कारण काफ़ी सारी हाउसवाइफ, बेरोज़गार लोग या कोई ऐसा इंसान जिसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है, उनको एक रोज़गार देता है और उनको एक पैसा कमाने का ज़रिया देता है ताकि वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर पाएँ. तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करूँगा टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको इंटरनेट. जब इंटरनेट का जन्म हुआ था तो अमेरिका ने ये नहीं बोला था क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और हम इसको समझते नहीं हैं तो इसको रोक देना चाहिए. अमेरिका ने लोगों को फ्रीडम दी, वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को फ्रीडम दी कि जाओ इस टेक्नोलॉजी के साथ खेलो, इसको डिस्कवर करो, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमको हेल्प कर सकती है कि नहीं कर सकती. उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ने का मौका दिया, और आज की डेट में आप खुद देख सकते हैं इंटरनेट के कारण मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना पा रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स भी आपसे अपनी खुद की वॉइस शेयर कर पा रहे हैं. जब इंटरनेट डिस्कवर हुआ था, हमारे देश का उसमें कोई ऐसा मेजर पार्ट नहीं था. हम ये बोल सकते हैं कि कुछ इंडियंस ने हॉटमेल बनाया था या कुछ अच्छी वेबसाइट्स बनाई थी, या आज की डेट में बड़े बड़े इंटरनेट कंपनीज़ के CEOs इंडियंस हैं. इंडिया की बात करें दोस्तों, स्टार्टिंग से ही हमेशा बाकी देशों से पीछे रहा है. चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए, चाहे आप यूरोप को ले लीजिए, या फिर आप जापान की बात कर लीजिए. हम दूसरी कंट्रीज़ को एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमको उनकी तरह बनना है. लेकिन आज अगर बात करें तो इंडिया के पास एक बार फिर से चांस है, जहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बैन या रोके नहीं, उसको डिस्कवर करे, लोगों को फ्रीडम दे के उसके साथ खेले, ताकि हम उसको डिस्कवर कर पाएँ, उसका अच्छा पहलू और बुरा पहलू दोनों देखें और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो है ब्लॉकचेन. और अगर हम ये बोलें कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी बात कर रही है कि ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेंगे या प्रोजेक्ट्स चालू हो रहे हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, तो जहाँ पर बाकी कंट्रीज जैसे अमेरिका, जापान इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की बात कर रही है, उसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, उसका अच्छा पहलू बुरा पहलू दोनों चीज़ों को देख रही है, तो हमारे देश के पास भी एक चांस है इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने का और इसको समझने का. और अगर हम इसको रोकेंगे और इसको बैन करेंगे या इसके ऊपर रुकावट डालेंगे जस्ट बिकॉज हम इस टेक्नोलॉजी को समझते नहीं हैं और क्योंकि ये नई चीज़ है या फिर एक डिजिटल मनी या डिजिटल करेंसी कहाँ से आ गई फिएट करेंसी को रिप्लेस करने के लिए, तो हम फिर से इनोवेशन को रोकेंगे. और जो कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी के साथ वापस खेल रही है, इसको समझने की कोशिश कर रही है, जैसे अमेरिका, जापान या कोई भी बड़ी कंट्री आप ले लीजिए, वो हमसे आगे निकल जाएंगे. और हो सकता है आज से 10 या 15 साल बाद जाके हम ये चीज़ रियलाइज़ करें, जब वो कंट्रीज़ हमसे और आगे निकल जाएंगी कि शायद अब हमको क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट करके लीगल कर देना चाहिए, तब तक बहुत देर हो जाएगी और हमारा देश फिर से पीछे ही रह जाएगा. आई सपोर्ट क्रिप्टो, डू यू? आइए इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन में हमारा साथ दीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कीजिए. एक लड़की होकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, इस रेवोल्यूशन में पार्ट ले रही हूँ, आप भी आगे आइए और हमारे इस मैसेज को हर जगह फैलाइए, दैट आई सपोर्ट क्रिप्टो, वी सपोर्ट क्रिप्टो एंड सपोर्ट अस. नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जिया ओपन फॉर प्रॉफिट चैनल की तरफ से. दोस्तों यहाँ पे मैं नहीं बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल किया जा सके. और मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो गवर्नमेंट ने किया था वो किया था डीमोनेटाइजेशन किया था, इससे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, आप और हम सब ये जानते हैं. और उस समय हम कुछ नहीं कर सके थे क्योंकि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, जितनी भी फिएट करेंसी थी गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो उन्होंने जो करना था कर दिया था. लेकिन अभी बात दूसरी है, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती है लेकिन वो ट्राई कर रही है. और एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं है, वो ये चाहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी को हटा के वो अपनी खुद की वर्चुअल करेंसी डाल सकें, ठीक है. लेकिन वो इसको डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती क्योंकि इस पर उसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बैंक्स वगैरह के ऊपर प्रेशर डाल रही है ताकि बैंक किसी भी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट ना करें. लेकिन अभी ये सही समय है कि आप, हम और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेटिशन का फॉर्म है उसको फिलअप कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए. तो ये एक वन मैन शो नहीं हो सकता है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मैं ये जरूरी मानता हूं कि आप भी हमें सपोर्ट करिए. अगर हम सब साथ में करेंगे, ज्यादा लोग आप अपनी आवाज उठाएंगे तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, 101% पहुंचेगी. और हो सकता है कि जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो भी इस चीज को कवर कर लें. तो एक बार अगर मीडिया चैनल ने इसको पकड़ लिया तो 101% मैं आपसे ये कहता हूं कि गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा प्रेशर आएगा और उनको अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ेगा. नमस्कार टू द इंडियन कम्युनिटी, मैं हूं रॉनी कोलकाता से. मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, ना ही उस पे ऐसे रोक लगा दिया जाए जैसे अभी RBI ने
रेस्ट्रिक्ट कर दिया है बैंकों को कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडिविजुअल या फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से डील करने से। हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। जैसे कि जब इंटरनेट का भी इन्वेंशन हुआ था, बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बोले थे कि इल्लीगल काम में इंटरनेट यूज होगा, खराब चीज होगा, अच्छा चीज ज्यादा होगा, वर्ल्ड वाइड ज्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है इंटरनेट से। सिमिलरली जैसे इंटरनेट से लोगों को फायदा हुआ है, वैसे ही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों को फायदा या बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यूएस, जापान, कोरिया और बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल दर्जा या फिर उसको रेगुलेट करके रखा है और इसमें कोई रोक नहीं है। तो इंडिया ने ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर क्यों लिया कि बैंकों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और जो लोगों को खराब या इलीगल काम करना होता है वो लोग तो डेफिनेटली कोई एक्सचेंज में केवाईसी देके बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल नहीं करते, तो उन लोगों के लिए तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो हम लोग का जो आम आदमी है जिसने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट किया था बिकॉज गवर्नमेंट ने वार्न किया था कि इसका रिस्क आप समझ लो, हम लोग का रिस्क समझ के बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में हम लोग ने इन्वेस्ट किया है। तो अभी गवर्नमेंट या आरबीआई को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम आया है कि जो बैड एक्टर्स है, जो क्रिप्टो या बिटकॉइन से खराब चीज कर रहे हैं, उनको हटाए, ना ही बैंकिंग सर्विसेज बंद कर दे ताकि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको प्रॉब्लम आ जाए। सो यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था। Hey guys, I am Lucky from Money King YouTube channel. तो recently जो RBI ने अपडेट दिया था कि 3 महीने के बाद वो बैंकिंग फैसिलिटीज बंद कर देंगे अगर हम क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर बाय करना चाहते हैं, तो बैंक वगैरह जो है उसको अलो नहीं करेंगे या फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स इनडायरेक्टली जो है RBI बैन कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक रेवोल्यूशन है और जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सकता है और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। जैसे कि हमने पास्ट में देखा तो काफ़ी चीज़ें उसने चेंज किया है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी किसी पर्सन को पेमेंट अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर देना चाहता है। लाइक अगर हम इंडिया से अमेरिका के अंदर पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो हम इतने ज़्यादा पेपर वर्क के थ्रू या फिर इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है उसकी, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस कट हो जाते हैं। लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो विद इन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स हम सेंड कर सकते हैं अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट सेंड करना चाहते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री, जापान जैसी अगर बड़ी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे क्रिप्टो ऑलरेडी लीगल हो गया, तो ये टाइम है आई थिंक इंडिया को भी लीगल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया जो है पीछे हटता है अगर क्रिप्टोकरेंसी को बैन करता है, फिर जो उसने अपडेट दी थी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बैन करता है, तो आई थिंक इंडिया जो है बाकी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाएगा। क्योंकि हम फ्यूचर देखते हैं क्रिप्टोकरेंसी के अंदर, मैंने अपना फ्यूचर देखा और काफ़ी लोग हैं वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इंडिया के अंदर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी लोग घर पे वेले बैठे हैं जिनको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू लोगों ने काफ़ी अच्छी अर्निंग की है और अपना फ्यूचर देखा है। और इवन हाउसवाइफ्स जो हैं या फिर जो बिजनेसमैन वगैरह जिनका बिजनेस बंद हुए पड़े हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह, उन्होंने काफ़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा वो क्रिप्टोकरेंसी के अंदर कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया को जो है लीगल कर देना चाहिए, आरबीआई को जो है अपना डिसीजन को जो है रिवर्स करना चाहिए। हम आपको ये बोलेंगे, हम सब यूट्यूबर एक साथ हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप भी इसके ऊपर मेहनत कीजिए। नीचे पिटीशन में लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर साइनअप कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेक अस गो वायरल, हेल्प अस गो वायरल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल संजय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्यों क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। सारे यूट्यूबर एक हो गए हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब लोगों के, यूट्यूबरों के, वो भी एक हो जाएं और हमें जो है गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि ये गलत नहीं है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी क्यों जो है गलत नहीं है, क्योंकि अगर हमको देश में डिजिटल इंडिया लाना है, देश को डिजिटल इंडिया बनाना है, तो हमें क्रिप्टो करेंसी में काम करने से नहीं रोकना चाहिए। और अगर भारत देश को अगर धर्म में विश्वगुरु बनना है तो उसी तरह पैसे में विश्वगुरु बनने के लिए उसे डिजिटल इंडिया में आना होगा और डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में काम करना होगा। दूसरा मेरा दोस्तों है कि अगर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो फिजिकली डैमेज है, जिनको जिनके पास जो है काम करने का कोई साधन नहीं है, उनके पास जो है मेहनत नहीं कर सकते, पर अगर वो माइंड से तेज हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करके अपने जीवन को सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को भी एक अच्छा खासा जीवन दे सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है,
हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, आरबीआई से अपील करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनसे अपील करते हैं तथा सारे देशवासियों से अपील करते हैं कि आप सब लोग उनसे रिक्वेस्ट करिए या अपने जो पिटीशन है या जो लिंक होते हैं जहां पे आप पिटीशन में साइन करके उनका अपना अपील पहुंचा सकते हैं, तो आप एकजुट हो जाइए और उनको ये बात समझाने की कोशिश करें। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही अपील है कि प्लीज 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 क्रिप्टो करेंसी को आप सपोर्ट करें और यह बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों मेरा मानना है कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, वो उसको वापस लेना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आया है। इंडिया के अंदर बहुत सारी जॉब पैदा हुई हैं और इसका फ़ायदा दोस्तों सबसे ज़्यादा उन लोगों को हुआ जो कि जॉबलेस पर्सन है या फिर कम पढ़े लिखे हैं या फिर हैंडीकैप पर्सन है। काफ़ी अच्छा एडवांटेज जो है वो इस फील्ड से निकाल रहे हैं। और रही बात अगर स्कैम की दोस्तों, तो स्कैम जो है हर फील्ड के अंदर होते हैं। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा स्कैम होते हैं तो उसको दोस्तों इसके ऊपर कुछ ना कुछ रास्ते निकालने चाहिए। अगर और देशों को देख करके ये सीखेंगे तो सीख पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के और देशों के अंदर जो है ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को एजुकेट किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटिव एजुकेशन दी जा रही है। तो कुछ इस तरीके से आरबीआई को जो है डिसीजन लेना चाहिए, ऐसी कंपेन चलानी चाहिए, फिर स्कूल ओपन करना चाहिए। और इसका ये फैसला जो है बैन करने का, ये बिल्कुल गलत लगता है हमें। इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम दोस्तों आई सपोर्ट क्रिप्टो और बी सपोर्ट क्रिप्टो की मुहिम चला रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हों और इस मुहिम को आगे लेकर के जाएं। हेलो क्रिप्टो ट्रेडर्स, आई नो आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम है अमरप्रीत सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल है इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई ने क्या किया है, इसके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए हम लोगों ने एक कोलैब किया है जिसके अंदर आपको सारे अभी जो भी सारे यूट्यूबर्स हैं सबके सब आपको दिख रहे होंगे। और दोस्तों यही एक छोटी सी हमारी इच्छा है कि ये एक रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन का पार्ट बने। इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए आपको पेटिशन मिल जाएगा लिंक में, उस पेटिशन को साइन इन करना है और बस उधर जाके आपको बस इतना सा ही काम करना है। दोस्तों इसमें आप किसकी भलाई किसकी बुराई मत देखिए, इसमें आप अपनी और अपनी भलाई और अपनी बुराई देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी अगर आपको थोड़ा सा भी खुशी दी है या थोड़ा सा भी दुख दी है, मैं दुख की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके वो आपके इमोशंस के साथ तो जुड़ा है ना, आपको उसने दुख दिया है या तो आपको उसने खुशी दी है, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी है। अगर वो एक कोई चीज़ आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हो सकती है तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ नीचे जाना है, पिटीशन पे साइन करना है और आगे हम देख लेंगे। दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट को कबूल कर देना और नीचे जाके पिटीशन पे जरूर साइन कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं सार्थक एक बार फिर से आ गया हूं वापस। आज आप सभी से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि अगर हम कुछ देर के लिए क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर हम अगर अपने दिमाग से निकाल देंगे, क्रिप्टो करेंसी एक माध्यम है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी कितनी बड़ी चीज है और कितना इसका फायदा है। यहां पर मैं बता दूं, देखिए अगर आपको मैं बता दूं, आज जो स्टार्टअप है जिसके पास फंड नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा माध्यम है उन स्टार्टअपों को वो फंड प्रोवाइड करा सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा माध्यम है कि आज जो जॉबलेस पीपल है आज उनको जॉब प्रोवाइड करा सकती है। और ये एक इसने करके दिखाया जो अभी तक यहाँ पर जॉबलेस थे उनको इसने एक नया रास्ता प्रोवाइड करे जिससे यहाँ पर सभी लोग जो यहाँ पर जॉबलेस हैं, जिसके पास यहाँ पर जॉब नहीं है, जो यहाँ पर महिला अभी घर में बैठे बैठे सोचती रहती कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो वो भी आज क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यहाँ पर कमा रही है। आज जो बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई के लिए, अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए सोचता रहता था पैसे कहां से लाऊं, तो आज उसको भी क्रिप्टो करेंसी ने एक नया रास्ता प्रोवाइड करा है। तो ये कमाल है क्रिप्टो करेंसी का। और आज अगर हम चाहते कि इस क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में बनाए रख सके तो आज हम सभी को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर मैं बता दूं कि आवाज उठाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आई सपोर्ट क्रिप्टो।